नमस्कार, मैं हूं योगेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल भारत टीवी समाचार। साथियों, अभी हम भागलपुर में उपस्थित हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों आप सुने होंगे ग्रेजुएट चाय वाली, बेवफा चाय वाला और भी प्रकार के बहुत सारे लोग अपना स्टॉल खोल के चाय बेचते हैं। लेकिन आज भागलपुर में खास करके हम दिखाने वाले हैं रैपर चाय वाला को भी देखे होंगे पटना के, जो कि खान सर के कोचिंग के बगल में स्थापित हैं। अब भागलपुर हम पहुंचे हैं। जब भागलपुर पहुंचे, भ्रमण करते करते एक हमको स्टॉल दिखा जो चाय बेचते हुए एक शख्स दिखे और ऊपर में लिखा हुआ था आईपीएस चाय वाला। तो चलिए हम दिखाते हैं आईपीएस चाय वाला को। हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से एक बार निवेदन करना चाहेंगे कि इस चाय स्टॉल को दिखाए किस तरीके से। यहाँ पर एक लोगो लगा हुआ है आईपीएस चाय वाला, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या है, आखिर ये आईपीएस रहते तो ये चाय क्यों बेचते। तो चलिए इस मसला को हल करने के लिए इन्हीं से बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे। कुछ भाई साहब यहाँ उपस्थित हैं, इनसे भी जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या सर, आपका क्या नाम है? मृत्युंजय यादव। अच्छा यादव जी, आप बताइए कि ये आईपीएस चाय वाला के पास जो आए हैं, क्या खूबी है इस चाय में? चाय पीने में बढ़िया बनाता है, पीने में बढ़िया लगता है। अच्छा, ये आईपीएस होते तो चाय तो नहीं बेचते? नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ अपने अपने स्तर से बताना चाहेंगे आप? हम उसमें क्या बता सकते हैं, हम तो ड्राइवर आदमी है। अच्छा, हर रोज चाय पीते हैं यहाँ? हाँ, जब से आया है तब से पी रहे हैं। चलिए, आपका क्या नाम है भैया? राहुल कुमार। अच्छा राहुल जी, ये बताइए कि आपके स्टॉल में लिखा हुआ है आईपीएस चाय वाला, क्या इसका क्या मतलब है? जी, हम कुछ दिन पहले आईपीएस के घर पे जो है नौकरी करते थे, तो नौकरी करते करते जो है कुछ दिन बिता, उसके बाद वो उसका मृत्यु हो गया, जो आईपीएस जो सर थे। हाँ हाँ। तो उसका लड़का सब बहुत हरामी होने के कारण जो है ना, हम उसके घर पे काम नहीं किया, उसके बाद छोड़ दिए काम। तो सोचे कि उसके नाम से अपना कुछ बिजनेस खोल ले, बस यही हुआ। मतलब जिसके यहाँ काम कर रहे थे आप, वो आईपीएस थे, पद उसके पद का इस्तेमाल तो बहुत मान के चलिए भारत में जितने भी आईपीएस हैं उनके नाम से ये चाय स्टॉल खोले हैं, टी स्टॉल। तो इसमें पदाधिकारी लोग यहाँ आते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं? जी नहीं, कुछ नहीं नहीं बोलते हैं। बाकी यहाँ भागलपुर के लोग जो देख रहे हैं, हम तमाम दर्शकों से बताना चाहेंगे कि ये आईपीएस चाय वाला जो है, नाम क्या बोले थे आप? मिस्टर राहुल कुमार। राहुल कुमार जी के स्टॉल पर आइए और चाय पीजिए और यहाँ आनंद लीजिए चाय का। इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि आप तो चाय वाले का देखे होंगे, बेवफा चाय वाला, रैपर चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाले, इन तीनों का इंटरव्यू आपको दिखाने का प्रयास किया था। मैंने सोचा कि आप भागलपुर में रहते हुए यहाँ राहुल जी से क्या बोले, राहुल जी से बात करके सोचे कि आप तमाम दर्शकों को बताएं कि आईपीएस चाय वाला ये स्टॉल खोलने का क्या मतलब है। आप सीधे शब्दों में जान सकते हैं कि ये आईपीएस के यहाँ नौकरी करते थे, कमाने के लिए गए थे हरियाणा, हरियाणा कमाने के लिए गए थे और वहीं इनके जब मालिक का देहांत हो गया तो उसी के नाम पर ये आईपीएस चाय वाला का ये जो लोगो है आप ऊपर में देख रहे हैं, ये लोगो लगा लिया गया। हो सकता है कि उनके प्रति इनकी जो भावना है, मतलब ये सोचे होंगे कि भाई भले लोग थे तो उनके नाम से खोल लिया जाए, क्या यही सोचे होंगे? जी ना? सर जी। और क्या यहाँ के भागलपुर के तमाम दर्शक जो देख रहे हैं और जहाँ से भी देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे, जो अपना बिजनेस है उसके जो जो अच्छा लगता है आता है यहाँ पे चाय पीता है, उसके बाद जो कस्टमर आता है मेरे पास वो बोलता है कि अच्छा चाय बनाते हो ना, और कुछ बार बार आता है तो सब यही सवाल करता है कि आप आईपीएस रखने का रीज़न क्या है, क्यों रखे हो? अच्छा, ये आईपीएस चाय का जो लोगो लगा के रखे हैं, ये टी स्टॉल है, यहाँ आने वाले दर्शकों को अगर आना हो जो चाय पीते हैं, चाय से ताल्लुकात रखते हैं, जो हर रोज़ पीते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक टी स्टॉल लगाते हैं और ये जगह कौन सा है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। ये चाय दुकान खुलने का समय मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, 11 बजे से लेकर 2 बजे से लेकर 10 बजे रात तक। अच्छा, प्राइस क्या क्या है हमारे दर्शकों को बताइए? बस सैंपल 10 रुपये से लेकर 12 तक है, उसके बाद में है। अच्छा, प्रशासन परेशान नहीं करती है कि आप आईपीएस का क्यों लगाए हैं? जी नहीं, अभी तक तो नहीं किया। अच्छा, कोई भी जो भी यहाँ पर आते हैं पढ़े लिखे लोग, वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि भाई आईपीएस को क्यों बदनाम करते हो, अगर कोई आईपीएस करता तो चाय थोड़ी बेचता? जी यही बात बताते हैं उसको, तो फिर समझ में आ जाता है उसको कि सही बात है। चलिए, नाम एक बार फिर से बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? राहुल कुमार। राहुल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बाकी जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको कुछ बताएं अपने बारे में, जो ये जो चाय बेच रहे हैं कैसे आप तक पहुंचे? तो जी, जगह का नाम है सैंडिस के आगे जो कंट्रोल सेंटर है भागलपुर। हाँ।
तो आइए मेरे पास, चाय पिलाएंगे बहुत अच्छा, जो भी कोशिश करेंगे अच्छा पिलाने का चाय। इससे पहले किसी को इंटरव्यू दिए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं दिए, पहला इंटरव्यू है जी। चलिए राहुल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग राहुल जी के बारे में क्या सोचते हैं? ये आईपीएस से प्रभावित थे जिसके कारण ये आईपीएस चाय वाला के नाम से टी स्टॉल खोले हैं। बाकी आप लोग कमेंट में अपनी राय रख दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।